इनको पैसे को ऑफर किया गया है। आज देखिए, जो अभी रणजीत सिंह वर्याम नंगल के हैं, जो बेअंत सिंह सरकार में एमएलए बने थे, बाद में कांग्रेस पार्टी से भी उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी पर एमएलए नहीं बन पाए। अकाली दल सरकार में भी वो उनके साथ रहे हैं और कांग्रेस में भी रहे हैं। अब वो नए नए भाजपा में गए हैं, तो वो जो आम लोगों से वोटे मांग रहे हैं, भाजपा उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं मीटिंग करते, जो अंदर मीटिंग होती है उनमें, वो कह रहे हैं कि हमारे सभी किसान लीडरों से बात हो रही है। और जो जंग बहादुर सिंह ने बताया उनके कहने के ऊपर, 10 करोड़ रुपया मांग रहे हैं पंडित साहब, तो करोड़ में लगभग बात हो रही है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से भाजपा सरकार स्वयं प्रधानमंत्री के नाम पर जिस तरह से पूरे देश में इलेक्शन लड़ रही है, तो जब जो सुनील जाखड़ जी ने भी पीसी की है, उन सबसे झलकता भी जो उन्होंने मुद्दे लेकर आए थे, बेशक वो राम मंदिर का मुद्दा था या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था या भारत पाकिस्तान का मुद्दा था, मंदिर मस्जिद का मुद्दा था, मंगल सूत्र का मुद्दा था या नॉन वेज वेज का मुद्दा, जो भी उन्होंने मुद्दे लेकर आए हैं, मेरे ख्याल अधिकतर जो सर्वे आ रहा है, ये तो हम दावा नहीं करते सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, जो पूरे देश भर में आ रहा है उनकी परिस्थितियां ठीक नहीं है। तो अब वो इस तरह की बातें, जिस अंबानी अडानी को उन्होंने 10 साल सब कुछ देश का धन दौलत लुटाया, अब उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं, अच्छी बात है, हम नहीं कहते। तो तब अब देखते हुए जिस तरह से किसान लीडरों की किरदार कुशी की थी, जो सुनील जाखड़ जी ने वहां कहा, ठीक है जी, तो अब वो सुनील जाखड़ जी जो भाजपा ने पाप कमाए हैं, जो हमारे ऊपर जबर किया, जिस तरह से शहीद शुभकर्ण जी को शहीद किया गया, जिस तरह से देश की राजधानी में हमें जाने नहीं दिया गया, जिस तरह से एमएसपी लीगल गारंटी कानून और अन्य मांगे हमारी नहीं मांगी गई, वो उस बातों को छोड़कर हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इनको विरोधी दलों ने बैठाया हुआ, जबकि हमारे लिए कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी एक समान है, हम इन सरकारों के खिलाफ भी आंदोलन करते रहे। तो अब ये ऊपर से लेके नीचे तक किसानों के किरदार कुशी करने के लिए इल्जाम लग रहे हैं। तो हमारी मांग है आपके माध्यम से भी जो भी किसी भी एमएलए, जो सबका एमएलए रहे हैं, अच्छे पद पर रहे हैं, भाजपा के अभी नेता हैं, तो स्थिति को स्पष्ट किया जाए भी और दुनिया के सामने सबूत लाया जाए, और हम समय देते हैं उनको 5-10 दिन का, हम विचारेंगे दोनों मोर्चों के ऊपर, आगे के बारे में निर्णय लेंगे। ओपन डिबेट के लिए उनको चैलेंज करते हैं? हाँ नहीं, देखिए, ओपन डिबेट के लिए सुनील जाखड़ जी ने हमें न्योता दिया था चंडीगढ़ में, हम उसके आए थे, वहाँ आए नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।